आपको अहम खबर देते हैं। हमारे संवाददाता ने बिहार के मोतिहारी से सुगौली तक ट्रेन से सफर किया है। ये ट्रेन दिल्ली तक आती है। बिहार से दिल्ली आ रहे लोग चुनाव को किस तरह से देखते हैं, ये जाना हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी ने। बिहार चुनाव में जनता का मूड जानने के लिए हम इस वक्त ट्रेन में सफर कर रहे हैं। मोतिहारी से सुगौली तक जा रहे हैं। सप्त क्रांति एक्सप्रेस है ये, जो दिल्ली तक जाती है। तो क्या बिहार में जो समझौता है दिल्ली और बिहार का, खासतौर पे एनडीए का, उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, क्या बदलाव की बात हो रही है, क्या विकास की बात हो रही है, लोगों से बात करेंगे। ट्रेन में सफर करने वाले लोग चूंकि आसपास के होंगे, कोई मुजफ्फरपुर से होगा, कोई मोतिहारी से होगा, कोई तमाम जगह से होगा। आप लोगों को देख रहा था सैनिटाइजर का बहुत ख्याल रख रहे हैं चूंकि भीड़ में। आप लोगों के लिए सरकार कैसी चाहिए बिहार में, जो सरकार बननी है, अभी चुनाव होना है, आप लोगों को कैसी सरकार चाहिए बिहार? नहीं, हमें नीतीश कुमार ठीक है। नीतीश कुमार के मतलब जो एजेंडा है बड़ा बढ़िया है। जितने दिन पीछे से काम करते हुए अभी आए हैं, अच्छा लगा। मतलब नीतीश कुमार से पीछे जो रोडें होती थी, हम दिल्ली में लगभग 20 बरस पहले से रह रहे हैं। उस समय में हमें मतलब मोतिहारी से 10 किलोमीटर गाँव पड़ता है, मोतिहारी में रात में रुकना पड़ता था। आज के डेट में रात में भी 2 बजे रात को अगर ट्रेन पहुंचती है तो हम आराम से घर पहुंच जाते हैं, कोई तरह का टेंशन नहीं होती। यही सबसे बड़ी चाहिए। आप नौजवान हैं, आपके लिए कौन सी सरकार चाहिए बिहार में? नीतीश कुमार ही अच्छा है। नीतीश कुमार ही अच्छा है, चलिए नीतीश कुमार ही अच्छा है। महिलाओं के लिए कौन सी सरकार अच्छी है बिहार में? बिहार में नीतीश कुमार ही सही है। क्यों? क्योंकि विकास तो एक तो है ही, दूसरा किडनैपिंग भी कम हुई है पहले से। नल जो योजना जो है वो मतलब घर घर तक पहुंच चुकी है। बिजली भी आ गई सही तरीके से। चाय वाले किसकी सरकार बना रहे हैं? नीतीश कुमार। क्या है भाई, क्या है? जो भी है भाई। कैसी सरकार आप लोगों को चाहिए? जो जनहित में काम करे, विकास कार्य करे। दूसरा कैसा? स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, इन सभी चीजों पर ध्यान दे। बेरोजगारी को लेकर बिहार में बहुत चर्चा है। दूसरा पक्ष कहा है, तेजस्वी ने कहा है 10 लाख रोजगार हम देंगे इस चुनाव में। आपको लगता है कि 10 लाख चुनाव का जो रोजगार का मुद्दा है, चुनाव में बड़ा मुद्दा है? रोजगार का मुद्दा तो हमेशा से ही बढ़ा रहा है, चाहे सरकार के लिए हो या चाहे जनता के लिए हो। और जितनी भी आजकल हमारी हम जैसे लोग हैं वो नौकरी के लिए और सरकार के लिए दोनों तरह से काम करने के लिए रेडी रहते हैं। तो आपके लिए कैसी सरकार चाहिए बिहार में, किसकी सरकार? सरकार देखिए, ये कहना मुश्किल है कि किसकी सरकार होनी चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनता के लिए काम कर सके। कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करना ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि बिहार में कहते हैं कि नीतीश कुमार से महिलाएं बहुत खुश रहती हैं। महिला वोटर नीतीश कुमार की वोटर हैं। इस बार भी महिलाएं खुश हैं नीतीश कुमार से, आपको लगता है, या नाराज हैं? नहीं, खुश हैं। जो भी किए हैं अच्छा किए हैं। आपको लगता है कि जो बात तेजस्वी यादव की सरकार आने की बात कर रहे हो जा रहे हैं, ये वो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव की सरकार, लालू यादव की सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? नहीं, हमको तो नीतीश की ही सरकार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। हमारे लिए तो नीतीश ही किए हैं। कहो केकर सरकार चाहिए तारा? सरकार तो बीजेपी के चाहिए। बीजेपी के चाहिए जी। काहे? काहे, हर तरफ से ठीक है, हर तरफ से ठीक है। देखिए, सरकार तो उन्हीं का आना चाहिए, बीजेपी। बीजेपी का मोदी ही आना चाहिए। मोदी आना चाहिए ना। बहुत खुश है आप लोग काम? हाँ हाँ, बहुत खुश है। बहुत खुश हैं लोग मोदी के कामकाज से, और नीतीश में भी। ये लोग बदलाव नहीं चाहते, चाहते वही सरकार रहे। क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ, जब फर्स्ट टाइम जब सरकार आई थी 2005 में, उस समय जैसे काम की अगर वैसे कर रहे हैं तो वैसे वाली सरकार चाहिए, नहीं तो चेंज चाहिए। जब इनका मैनिफेस्टो देखे तो ऐसा कुछ नहीं है जिस वक्त उस समय था। तो इसलिए ऐसे सरकार सब लोग चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव हो, इवन आपका प्रोग्रेस विकास में हो या कुछ में हो, बदलाव हो। लेकिन जो ये 5 साल नीतीश जी ने काम किया, इवन जो डबल इंजन का था, उसमें कुछ अच्छा नहीं हुआ है। पहले 5 साल में नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, लेकिन अब 5 साल में काम नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कि पहले 5 साल में नीतीश कुमार ने जो काम किया वैसा ही काम करे तो सरकार रहनी चाहिए, वरना बदलाव होना चाहिए। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार होनी चाहिए? देखिए किसकी बनती है। अभी आपने मूड नहीं बनाया है, आपने क्या मन बनाया भाई बिहार को लेकर? बिहार में तो एनडीए की सरकार होगी, ये तो पक्का होगी। आप कहाँ रहते हैं? अभी तो दिल्ली रहते हैं हम। आए हुए थे बिहार जी। तो बिहार में क्या चर्चा हो रही थी चुनाव को लेकर? आप घर पे बैठे हुए तो क्या चर्चा चल रही थी? बिहार में यही चर्चा चल रही थी कि एनडीए की सरकार होगी, बदलाव के लिए भी है, लेकिन बदलाव तब भी होगी जब कुछ अंतर हो। ऐसे तो बोलने के लिए सब कुछ बोलते हैं कि यह करेंगे वह करेंगे,
वो तब तो सही है, ऐसे बीजेपी और एनडीए की जो है वो अच्छी सरकार है। आपके लिए कौन सी सरकार चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए था। बदलाव होना चाहिए जी। क्यों बदलाव होना चाहिए? बदलाव होने से ये होता है कि हमें मौका मिलता है कि ये सरकार इतना दिन क्या किया, इतना दिन ये क्या किया। फर्क तो बदलाव तो होना चाहिए। क्या माहौल है चुनाव में, किसको जीतना चाहिए बिहार में? तेजस्वी यादव को। क्यों? बदलाव जरूरी है। 15 साल का खौफ दिखाते तो कब तक राज करेंगे आप? युवाओं के लिए जरूरी है। आपको लगता है गांव में लोग बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल चाह रहे हैं। चूँकि स्टेशन आ चुका है, हमें उतरना है यहाँ से, तो तमाम लोगों से बात की, अलग अलग राय है। लोग कह रहे हैं कि भाई नए नौजवान को मौका मिलना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज में डेवलपमेंट हुआ है और हम दोबारा जंगल राज नहीं चाहते हैं, इस वजह से हम उन्हीं पर रिलाई करते हैं, एनडीए की सरकार होनी चाहिए। तो अलग अलग राय हमें यहाँ देखने को मिली है, सुनने को मिली, और हम चाहेंगे कि आगे जो है इस मुद्दे को बढ़ाया जाए। हालांकि हमने तमाम लोगों से बात कर ली, अब इससे ज़्यादा लोगों से बात करना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि जवानों से बात की, महिलाओं से बात की, बाकी तबके से भी बात की, और सब तबके से बात में ये निकल के आया कि ज़्यादातर लोग अभी भी यहाँ एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की बात हर नौजवान, ज़्यादातर नौजवान कह रहे हैं कि एक बार बदलाव होना चाहिए और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, बिहार। प्रेजेंटिंग जी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।